आज हम करने वाले हैं हुरैन के साथ प्रैंक। हम करेंगे हुरैन के सामने लड़ाई, देखेंगे हुरैन का रिएक्शन। आप बदतमीजी भी कर, आप बहुत ओवर हो रही है। मैंने क्या चुप है, मैं बोल दिया ना, मैंने बदतमीजी नहीं करो, ऐसे बात क्या रखा है मेरा, हटो ऐसे, हटो पीछे रहो। तो जी मैं और महान अभी मेरे क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं हम दोनों? चिकन कढ़ाई बना रहे हैं मैं और महान। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी तो महान ने बोला मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो हम दोनों बनाएंगे चिकन कढ़ाई हांडी टाइप, मतलब वही 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 वही। ये शेफ महान ने वही चिकन हांडी बना ली है, माशाल्लाह माशाल्लाह जज़ाकअल्लाह। चिकन मखनी हांडी, चिकन मखनी हांडी भाई, ठीक है जी, चिकन मखनी हांडी बहुत ही मजे की लग रही है। ये बन गई है भाई कढ़ाई, ओ हांडी, चिकन बाय मास्टर शेफ महद, मास्टर शेफ महद खान एजुर। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहेगा जूस के साथ? तो ऐसे नहीं, ऐसी बातें नहीं करो यार, इस टाइम जाके कहाँ जाऊंगा यार, कोल्ड ड्रिंक ले आओ ना पीस। मजीद हम क्रीम ऐड कर रहे हैं इसमें, मखनी हांडी का मजा ही अलग है, बस बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्रीम ज्यादा नहीं होती, बस खलास। अच्छा अभी पाँव दबा रहे हैं, मेरे मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है गाइस। ये दफा बहुत ही Hi guys, hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel. और आजकल हम कर रहे हैं बहुत सारे pranks. आप लोग भी देख रहे होंगे कि रोजाना pranks, pranks, pranks. अरे बच्चा तो वही साले की यार मारा इसको। महात का पबजी। तो यार मजा इतना आ रहा है pranks करने में, कभी मुझे महात को तंग करने में, कभी महात को मुझे तंग करने में। तो आज हमने सोचा है कि आज हम करने वाले हैं हुरैन के साथ prank. Prank ये होगा कि हम करेंगे हुरैन के सामने लड़ाई और देखेंगे हुरैन का रिएक्शन। मोस्टली ऐसा होता है कि हुरैन मोस्टली क्या हमेशा ही ऐसा होता है कि हुरैन ना, क्योंकि चाहती हुई तो देखें दोनों को है, मुझे भी और महात को भी, महात को ज़्यादा चाहती हूँ ऑब्वियसली, लेकिन होता यह है कि वो देखती है कि कौन सही, कौन ना ज़्यादा चिल्ला रहा है। वो देखती है अगर मामी ज़्यादा चिल्ला रही है तो मामी को चुप कराओ, और मामू ज़्यादा चिल्ला रहे हैं तो मामू को चुप कराओ। मोस्टली वैसे तो हम उसके सामने लड़ाई नहीं करते हैं, हमारी वैसे लड़ाई इतनी अलहम्दुलिल्लाह होती भी नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग ना ऐसे ही आपस में बातें करते करते चिल्लाना शुरू कर देते हैं ना, तो वो देखती है, अगर वो देखती है कि मैं ज़्यादा चिल्ला रही हूँ तो वो महात को चुप, मुझे चुप कराती है, और महात ज़्यादा चिल्ला रही है तो महात को चुप करवाती है। ये है, हमें पता है उसका, लेकिन आज हम चाहते हैं उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करना, और हम बहुत गंदी वाली लड़ाई करेंगे उसके सामने और देखते हैं कि उसका रिएक्शन क्या होता है। हुरैन की करेंगे पिटाई, वो क्या कहते हैं, इश्तमाई पिटाई, इश्तमाई पिटाई होगी हुरैन की, कपड़ा डाल के फिर पिटाई होगी, कपड़ा डाल के बच्ची की पिटाई करेंगे। मामू की पिटाई करेगी, हुरैन को फौरन खांसी हो जाती है, तुझे काम करे। तो जी आप क्या कर रहे हैं जुजू? यार पेमेंट का मसला आया भाई, भाई आए ना हुरैन को हम पीटते हैं ना, हुरैन को मारते हैं, हुरैन के साथ खेलेंगे ना भाई, आए ना, आए 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 आए। अच्छा ना बस, मैं सर में दर्द हो रहा, शोर नहीं कर रहा यार जुजू, शोर शोर नहीं करो यार, सर में दर्द हो रहा है मेरे यार, बोलो ना। मेरी बेटी के साथ खेलने की ना कोई जरूरत नहीं है, आपको समझ आई? ये छुट्टी मार दी हुरैन पर, मामू के साथ ही खेलेंगे हम, खेलने आप क्या क्यों मार रहे हैं इसको? अच्छा बात सुने, आप बदतमीजी नहीं कर रहे, आप बहुत ओवर हो रही है, अब आप लिमिट में रहे। मैंने आपसे क्या बदतमीजी? लिमिट में रहे, बोल दिया ना, मैंने क्या बताया? चुप है, दिमाग खराब करके रखा है मेरा, अजाब करके रखी है मेरी जिंदगी, मैं बता रहा हूँ, मारूंगा मामी को भी, आपको उठा के ले जाओ इनको, मैं आपको मारूंगी अगर आपने मेरी बेटी को कुछ कहा तो। ज़बान नहीं चलाया कर मेरे आगे, बोला है ना खामोश, उसको भी बिगाड़ी, खुद भी बिगड़ी हुई हो, कभी इस नाम की चीज नहीं है, बहुत कर लिया प्यार,
गुस्सा आ गया ना, मैं छोड़ू बनी में पक्षु बनी में दिमाग खराब करके रखा हुआ है, अजियत ना हो तो। हाँ जा लेके निकले ऐसे तो ना जाओ ऐसे बात। नहीं जाऊंगी मैं, आप निकले बाहर। मैंने कहा बदतमीजी नहीं करो। लेकर चलिए मामी को बाहर, मार खा लेगी मुझसे, और जाओ ले जाओ। ले जाओ उनको बाहर ले जाओ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं फिर और मारूंगा। नहीं जाऊंगी मैं बाहर, एक थप्पड़ खा के तो मैं राज नहीं। ऐसी है मामू तुम्हारी, मारते हैं मुझे पता है। इनको लेकर जाओ बाहर। मुझे मारा था और रैन इन्होंने मुझे मारा था, पता है आपको? पहले तो आपको क्या लगा मेरे मामी को मारा है? सुन ले ना, मैंने पता क्या किया था, सुनो मैं बता रहा हूँ। मैंने मामी के पास गया, मम्मी को यूं ताली मार दी। आपको ये लगा मैंने मामी को मारा है? मारा था ना इन्होंने। लगा मेरे मामी को मारा है? बताओ ना आपको क्या लगा था? तेरी ऐसी, पहले बताओ आपको क्या लगा मैंने मामी को मारा है? अरे मैंने पता क्या किया था, यूं किया, यूं करके ताली मारी थी। नहीं हो रहा है, वाकई में मारा था मामी को। बच्ची को सच बताओ वरना वो गलत समझेगी। मैंने ऐसे करके ताली, अरे अभी तो और करना था, क्या हो गया? हंसी निकल गई बस में यार, वो बच्ची डर जाएगी यार। डराना ही तो था, रिएक्शन देखना था ना। सुना डर जाएगी बच्ची, मजाक करना था, वीडियो दिखाते हैं उसको बाद में। यार देखो बात सुनो, अब आप बदतमीजी कर रही हो, अब लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, बहुत हो गया, मजाक जितना होना था हो गया, बस समझ आ रही है? फिर गुस्सा कर रहे हैं आप। बस तो बस, जबान नहीं चलाओ, चलाओ जबान। जो आपको क्या हो गया, इस तरह नहीं करते यार, इस तरह नहीं करते। नहीं निकालो आवाज मेरे सामने यार, गुस्सा नहीं दिलाओ मुझे। मैं ब्लॉग ही नहीं बना रही, बहुत आपने बदतमीजी करना शुरू कर दिया मेरे साथ। हटो ऐसे, हटो, पीछे हटो, इधर आ जाओ मेरे पास। आप करके रखा हुआ यार, मुझे बताओ मामू आपको डांटते? अरे मजाक कर रहे थे हम, मजाक कर रहे थे ना, मामी को डांट रहे थे और ना हुरैन को डांट रहे हैं, मामू मजाक कर रहे हैं। खामोश। आइडिया पता है किसका था? आइडिया पूछो किसका था ये आइडिया। मेरी बच्ची रो गई यार, बस यार। अच्छा पूछो ना किसका आइडिया था, ये आइडिया किसका था पता है आपको? पहले बताओ ये आइडिया किसका था, बताओ आपको, बताओ आइडिया पता है किसका था? ये आपकी मामी का आइडिया था, जो ज्यादा ड्रामेबाजी कर रही है ना, ये उन्हीं का आइडिया था। चलो आपको चॉकलेट खा ली है। ओ मेरा बीबी, ओ मेरा बीबी, चुप कर, चुप चुप। अल्लाह, मारो रैन, मारो इन्हें, मारो, पकड़ के मारो रैन।
मामू की इज्जत करनी पड़ेगी हम, है ना। नहीं मारा बहुत मारो ताकि उनकी आंखें लाल हो जाए। मामी को मार रहे थे वो इस वजह से, आपको बुरा लग रहा था आप नहीं करते क्या? वो मामी को मार रहे थे है ना। आप मामी से बहुत प्यार करती हो है, बहुत प्यार करती हो। प्यार कर मामी के हाथ पे। मैं बेटा प्यारा सा मेरा बेटा है, इतनी प्यारी प्यारी आंखों वाला मेरा बेटा है, मेरा बेटा बहुत प्यार करने वाला है मेरा बेटा। हेलो एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का सवाल आप लोगों का है ये कि वो कौन सी रात है जिसमें कुरान मजीद सबसे पहले नाजिल हुआ था। आज का आप लोगों का ये सवाल है, और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता जा रहा हूँ, सबके सवालों के जवाब भी देखता जा रहा हूँ। माशाल्लाह सब भरपूर हिस्सा ले रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमसे, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमने गिफ्ट टेम्पर की चीज़ें वगैरह जो भी है वो अभी तक हमारी चल रही है, इंशाल्लाह सून वो भी रिवील करेंगे हम जब गिफ्ट टेम्पर आप लोगों का रेडी हो जाएगा। तो आप लोग बस जुड़े रहिए और सवालों के जवाब देते रहिए। जो कंटिन्यूस जुड़ा रहेगा पूरे मंथ हमारे साथ, मंथ के एंड में होगी कुरानदाजी, ठीक है। लकी ड्रॉ करेंगे, लकी ड्रॉ करने के बाद जिसका नाम आया वो होगा हमारा विनर। सो तैयार रहिए, अब करते हैं इस ब्लॉग को एंड। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह प्यार करते रहें। अल्लाह हाफिज़।